अरे पागल कहीं के, इधर देखिए इधर का दिखा रहे थे, दूध का डब्बा दिखा रहे, तब नहीं लड़का इधर पाई पाई कर रहा है, देखिए कितना बदमाश है। पता ना कहा का हो जा रहा है, इतने का हुआ, लहर मारने लगा, कुछ पड़ गया का, वाह रे वाह। तो जितना भी स्पेशल बनता है ना दोस्तों, सब इसी का मन के वजह से होता है, इसका मन रहता है तो बनता है ना। देखिए कितना लोल है, पिछली बार की तरह जो भटूरे बनाए थे वो तो कुछ खराब हो गया था, मतलब ज्यादा खट्टा हो गया था, तो आज तो अच्छा बनेगा पूरी। तो हम लोग ऐसे रेगुलर बनाते आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कितना मस्त पूरी बन रहा है गाइस, देखिए तो कितना बेहतरीन, बताइए। और भी है, देखिए ये देखिए तीन कोना वाला पूरी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, गोल लगे सलाम, स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे कॉस नए ब्लॉग पे। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड खैरियत होंगे। देखिए गाइस, बब्बू खेल रहा था, लेकिन जैसे ही ब्लॉग शुरू किया अब तक खेलना छोड़ करके वीडियो में देखना शुरू कर दिया। और ये जो गेट में टंगा रहा था ना दोस्तों, उसके साथ खेल रहा है, इसको खींच करके इधर से तोड़ दिया, और इधर देखिए इस तरह से लटक गया, इसी में खेल रहा है लटक के आराम से। और ये गाइस दीपावली में लगा था, लेकिन अभी तक लगा हुआ था गेट में, मम्मी लगा के रखी हुई थी, और इसको खींच करके गाइस अभी तोड़ दिया, और देखिए इसे में खेल रहा है। और इसको बहुत पसंद है ये वाला, इसे खेलना, ये खास करके ये जो गुलाबी गुलाबी वाला है ना, उसके साथ खेल रहा है गाइस। छोड़ो छोड़ो, छोड़ो। घर में देखिए काम चल रहा है, मम्मी उधर देखिए कपड़ा धो रही है वॉशिंग मशीन में और बाथरूम में, इधर कुछ कपड़े बचे हुए हैं धोने के लिए, ये अभी धोने के लिए बचे हैं। और सुबह सुबह मम्मी घर भी धो दी है, ये देखिए सारा घर धो दिए। और इधर किचन वगैरह में तो काजल ही काम करके साफ साफ सफाई करके, और वो भी नहा करके अपने रूम में बैठी हुई है गाइस। खाना में ये देखिए दाल चावल और सब्जी बना था, वो बचा हुआ है। फिलहाल अभी बाबू को तेल लगा रही है और कपड़े वपड़े पहना रही है काजल, वो भी अपना काम वाम करके नहा करके अपने रूम में मतलब आराम करके बाबू को तेल लगा रही है। और फिलहाल दोस्तों हाँ पहले डाल देते हैं छोला, चना के छोला, कौन वाला चना, बड़ा वाला कि छोटा वाला, छोला उसका थोड़ी बनेगा, चना की सब्जी बनेगा और का बनेगा, ठीक है जो भी है डाल देते हैं। तो गाइस हम बता ये रहे थे कि जैसे कि कल वाले वीडियो में बताए थे कि आज भी खेत का जमीन का जो नपाई होने वाला है बंटवारे के रूप में, वो आज नहीं होने वाला, क्योंकि अमीन जो था वो आज नहीं आएगा, अमीन आज नहीं आया और कल आने वाला है। ये देखिए गाइस बेचारा इधर ही ध्यान लगाए हुए है और इसका वीडियो नहीं ले पा रहे हैं। तो बात आते हैं मुद्दे पे दोस्तों, तो बात ये कर रहे थे कि जो जमीन की नपाई होने वाली आज नहीं हो रही है, अमीन नहीं आया था इसलिए, और कल से होगी शायद, कल वो आएगा तो कल से होगा। और मेरा हम लोग मतलब जो हमारे तीन दादा हैं, जितना खानदानी जमीन है जिसमें घर बना है, खेत का है, जो आहार में जमीन है, सारे का बंटवारा होगा गाइस। तो देखते हैं और कल से कब तक चलेगा, कितने दिन तक होगा, वो तो बताते ही रहेंगे। तो फिलहाल देखिए बाबू साहब क्या बोल रहा है वीडियो में, हमको समझ में नहीं आ रहा है और कहते रहता है। और हम जाते हैं, काजल बोल दी है वो चना डालने के लिए, फूलने के लिए, शाम को पूड़ी और चने आलू की सब्जी बनाएगी, तो जाते हैं वो भी डाल देते हैं दोस्तों। पहले तुम निकल जा, ये इमली किस लिए मंगा के रखी है, ये गाइस काली मिर्च पाउडर है, और ये है शायद चना गाइस, हाँ यही वाला है। तो इसको वापस रख देते हैं और इसको ढक देते हैं। तो ये रहा गाइस चना, और हम निकाल देते हैं चना को। काजल बोल रही है कि हमको एक बार दिखा दीजिएगा कि कितना डाल रहे हैं खुलने के लिए, तो हम पहले चना को निकाल लेते हैं और फिर गाइस काजल को दिखा करके पानी डाल देंगे उसमें। इतना चना निकाल दिए हैं गाइस, और दिखा देते हैं काजल को कि इतना सही है, या और ज़्यादा लूँ या और कम लूँ, तो बता देता हूँ। अरे क्या चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है बिगुआ बुतुआ, देख इतना इतना ठीक है, पानी डाल देते हैं, हैं वही बाल्टी में था। इतना गाइस हम खाने के लिए रख लेते हैं यहाँ पे, और इसको हैं ना रहने देना। तो इतना चना गाइस डाल देते हैं, बोल रही है कि इतना में हो जाएगा, तो पानी बस डाल देते हैं इसमें, और शाम शाम तक ये फूल जाएगा, बाकी शाम को गाइस थोड़ी और चना की सब्जी बनाएगी काजल। ये देखिए गाइस अभी आराम से लेटा हुआ है, इसको देखिए सुलाने का तरीका,
ओम बड़गम 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 स्वाच्छु सो जादगबुत हरे मटका सो जादगबुत अरे अरे तुमको सुला रहे हैं अरे अरे पागल कहीं के इधर देखिए इधर का दिखा रहे थे दूध का डब्बा दिखा रहे तब नहीं लड़का इधर पाई पाई कर रहा है देखिए कितना बदमाश है दूध का डब्बा देख के देखिए कैसे कर रहा है इधर तुमको सुलाने ना बोलो तुम सो गाना सो जा बचरा सो जा जिबे अभी क्या करना है दोस्तों कि शाम तो हो गया है और सिटी तो समझ ही गए होंगे देख ही रहे हैं उधर देखिए कुकर में बजा बना रही है खाना और इधर देखिए आटा निकाल के रख दिए गाइस काजल का कहना है कि पूरी आप बेलिएगा मतलब मुझे बनाने के लिए पूरी बोल रही है तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पूरी बनाने में बहुत टाइम लगता है वो भी खड़े खड़े तो काजल को दिक्कत हो जाता है तो पूरी मुझे बनाने के लिए बोली है तो करते हैं गाइस धीरे धीरे एक एक काम करके अपना काम करते हैं ले आओ ना बाहर ही ले आओ आटा काजल आटा लेगा बाहर रहा दोस्तों आटा इसमें देखिए मोम भी डाल दी है ताकि थोड़ा पूरी पूरी मुलायम लगे तो यहीं पे गाइस आटा गूंथेंगे और पानी दे देना पानी नहीं लिए हैं पानी दे दे ये उससे पहले दोस्तों हाथ धो लेते हैं और फिर आटा गूंथेंगे गाइस ये दोस्तों इतना भर गया है कि अच्छे से हम देखिए सान नहीं पा रहे हैं तो काजल को हम दूसरा वाला डबरा मंगवाए हैं अब वो काजल धो रही है फिर धोने के बाद लाएगी तो उसमें गाइस उसमें उड़ेल करके फिर उसमें सानेंगे तो ये वाला तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं दोस्तों अभी ये देखिए गाइस कैसे ला रहा है ये डबरा देखो पता नकाश ने कहा हो जा रहा है इतने का हुआ लहर मारने लगा कुछ पड़ गया का वाह रे वाह ये देखिए इसके आँख में पता नहीं कहाँ पड़ गया है अच्छे से धो और ये देखिए गाइस ये वाला डबरा लाइए बड़ा वाला तो इसमें दोस्तों उड़ेल देते हैं तो आज गाइस हम किचन का हलवाई बने हैं और जा रहे हैं पूड़ी बनाने ऐसा कुछ ऐसा कोई स्पेशल डे नहीं है लेकिन काजल का मन है कि पूड़ी आज बनाए और चने की सब्जी बना के खाए तो जितना भी स्पेशल बनता है ना दोस्तों सब इसी का मन की वजह से होता है इसका मन रहता है तो बनता है नहीं देखिए कितना लोल है लल्लू वाला कट गया देखिए देखिए दोस्तों देखिए कितना सारा उड़ेल दिया जरा सा बैलेंस नहीं है इसके हाथ में जरा सा बैल नहीं है गाइस लाइट आ गई है अभी तुरंत अभी लाइट आई है और ये देखिए हमारा आटा भी गूंद गया है गाइस तो अब सीधा चलता है किचन में दोस्तों पूरी बनाने के लिए तो उससे पहले क्या करेंगे वो तो किचन में चल के बताएंगे फिलहाल काजल यहाँ पे देखिए बैठी है बाबू को लेकर के ये देखिए और देखिए का हुआ बड़ा दिया इसका नाखून गाइस बहुत बड़ा बड़ा है और नाखून रोज हम सोचते हैं इसका नाखून काट दे लेकिन हम ही भूल जाते हैं जब ये सोता है तो हम भूल जाते हैं और जागता है तो याद आ जाता है आज रात को पक्का काटेंगे तुम्हारा नाखून हम गधा हंसता है ही आता है चलते हैं गाइस काजल बिक्री हो गई और चलते हैं इसको लेकर के किचन में वहाँ गए किचन में पर ये आटा रख देते हैं इसको और अच्छे से एक बार गूंथेंगे वो गाइस तो सबसे पहले क्या करेंगे कढ़ाई में तेल डाल के दोस्तों इसको गर्म करते हैं मतलब हम अपना पूड़ी बनाने की तैयारी करते हैं और काजल देखिए इधर बैठी है और ये अपना सब्जी बनाने की तैयारी करेगी तो करते हैं दोस्तों धीरे धीरे ये देखिए हमने तेल डाल दिया है और ये देखिए तेल डाल दिया है गाइस हमने और आटे को इधर ला के रखते हैं और लोहिया बना के पूड़ी बनाना शुरू कर देते हैं बाकी दोस्तों गाइस इधर काजल अपना सब्जी बनाएगी और इसको जो करना है सब्जी में वो सब्जी करे अपना हम इधर पूड़ी बनाते हैं दोस्तों गाइस हमारी तैयारी पूरी हो गई है इधर देखिए काजल अपना सब्जी बनाना शुरू कर दी है और हम भी इधर पूड़ी बेलना शुरू कर दिए हैं गाइस तो चलते हैं पूड़ी बनाते हैं अच्छे से और गाइस पिछली बार की तरह जो भटूरे बनाए थे वो तो कुछ खराब हो गया था मतलब ज़्यादा खट्टा हो गया था तो आज
आज तो अच्छा बनेगा पूरी, तो हम लोग ऐसे रेगुलर बनाते आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप अच्छा से बने और अभी इंजॉय करिए वीडियो दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके। तो चलते हैं दोस्तों अपना काम करते हैं गाइस। अब गाइस तेल हो गया है गरम और देखिए इधर हमने इतना पूड़ी बेल के भी रख दिया है क्योंकि तेल गरम होने में जितना टाइम लगा उतने में इतना पूड़ी बेल दिया हमने दोस्तों। तो अब डालते हैं गाइस इसमें पूड़ी। चल 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 तोरा जावा पूड़ी बनाने, चल साइड हो। ये देखिए दोस्तों पूड़ी बन रहा है हमारा। चल ले डाल 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 साइड पे। अब तेल दोस्तों ज्यादा डाले हैं तो हमको मतलब एक बार में तीन चार पूरी डलाएगा इसमें गाइस, यानी कि हमको बहुत स्पीड में पूरी बेलना पड़ेगा। तो चलते हैं जल्दी जल्दी फटाक फटाक करते हैं दोस्तों। कितना मस्त पूरी बन रहा है गाइस देखिए तो, कितना बेहतरीन बताइए हमको, कितना बढ़िया से आता है बनाने। और ये भी कह रही है कि बड़ा बड़ा बना के छोड़ दीजिए। गाइस कमेंट करके बताइएगा कैसा है हमारा पूरी, जरा देख के बताइए। और इधर गाइस देखिए इसमें सब्जी डाल दी है और चने की सब्जी बना रही है, ये डबक भी रहा है। अब ये काजल बोली है कि हम आराम करते हैं थोड़ा, आप पूरी छानिए। तो हम गाइस इधर छानने में लग गए हैं। गाइस ये देखिए लाइटें कट गया, का करे दिमाग खराब होता है, गर्मी तो इतना लग रहा ऊपर से गाइस लाइट कट गया और दिक्कत तो हो रहा है अंधेरे में। अंधेरे में नहीं, मोबाइल के फ्लैश लाइट से ही पूड़ी बना रहे हैं। और ये देखिए काजल का क्रिएटिविटी, तीन कोना वाला पूड़ी गाइस, ये देखिए तीन कोना वाला। और ये है, और भी है देखिए गाइस, देखिए ये देखिए तीन कोना वाला पूड़ी। हाँ तो बना एक तो गाइस अंधेरा हो गया है, ऊपर से गर्मी बहुत है और सबसे बड़ी बात है देखिए इतना सारा आटा भी बचा हुआ है गाइस, उतना आधा तो बना है और आधा बचा हुआ है। पर देखिए इस तरह से हाँ सब बना दे डाले, बेकार है इतना आसानी से आसान दिल के। हाँ ठीक है ये देखिए गाइस ऐसे कर रही है, तीन कोना वाला, ये देखिए गाइस तीन कोना वाला पूरी, ये फटाफट बन गया। गाइस लाइन अभी आई है वो भी बहुत देरी के बाद, लगभग दोस्तों देखिए खत्म होने वाला है, अब जाकर के लाइन आई है। और ये इधर काजल देखिए गाइस खाना निकाल रही है, पापा और मम्मी दोनों का, ये त्रिभुज वाला जो पूरी बनाई है ना वो दे रही है ये देखिए। हाँ ठीक है ये त्रिभुज वाला ही बनाए दोस्तों, तो जल्दी जल्दी मतलब निपट गया तो वही वाला ठीक है। इधर सब्जी देखिए एकदम मस्त वाला सब्जी बना है चना का। और इधर हम गाइस छान रहे हैं काजल का, खड़े खड़े थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना, तो वही है हम बना रहे हैं, बेल रहे हैं और छान रहे हैं, बस ये लास्ट है और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा गाइस। ये देखिए हमारा पूरी बन चुका, तो ये वाला आखिरी वाला ख़त्म करते हैं गाइस और जल्दी से ये सब पैकिंग करेंगे, मतलब ढक देंगे, इसको ढकेंगे, इधर इसको ढकेंगे और फिर ढक करके दोस्तों सबसे पहले रेस्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों खाना वाना हम लोगों का होगा। देखिए दोस्तों हम पानी और प्याज इसी हाथ में, देखिए पानी और प्याज दोनों ले लिए हैं, काजल खाना लेकर के अपने रूम में चली गई है। तो चलते हैं जल्दी से फटाफट खाते हैं क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी थी गाइस और काजल को भी लगी थी, बेड पे खाएगी। जीजू ब्लॉग बना रहा है ये देखिए गाइस, ज्योति कॉल कर रही है, जीजू ब्लॉग बना रहे, जीजू ब्लॉग बना रहे, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए, ज्योति कॉल कर रही है भाई बात कर रही है गाइस। तो बस अभी खाना खाते हैं दोस्तों। तो गाइस हम बैठ गए खाने पे, ये देखिए पूरी और सब्जी खा रहे हैं, सारा तीन कोनिया पूरी लिए है गाइस, ये देखिए सारा तीन कोनिया पूरी लिए है गाइस, ये देखिए देखिए। तो आई होप आप सभी खाना वाना खा लिए होंगे दोस्तों, अगर नहीं खाए तो आइए मेरे पास। अरे बाप हाँ थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया, ये देखिए गाइस तो
बहुत टेस्टी बनाएगा सब्जी। पिछली बार जो छोले भटूरे बनाए थे उसमें तो दिक्कत आ गई थी, लेकिन इस बार गाइस एकदम मस्त बनाया। आई प्रॉमिस ए प्लस ग्रेड देंगे दोस्तों काजल को सब्जी बनाने के लिए। एकदम झकास, एकदम झकास। गाइस खाना वाना खा लिए हैं और एकदम पेट भर के खा लिए दोस्तों। बस थोड़ा सा आराम करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिस्तर लगा देते हैं बाबू को सुलाने के लिए, उसके बाद रेस्ट ही रेस्ट करेंगे दोस्तों। तो अब ये वाला वीडियो दोस्तों हम यहीं पे रोकना चाहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा ज़रूर, एंड सबसे ज़रूरी काम है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो इतना करिएगा दोस्तों, और स्किप सपोर्ट में तब तक टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।